आज जो मैं आपको सुना रहा हूं कहानी, शायद सुनने के बाद आपकी आंखों में आ जाएगा पानी। ये कहानी लगन, समर्पण, निष्ठा और साथ की है। ये कहानी जितनी मेरी है उतनी ही आपकी है। इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो हमारे आपके जीवन का आधार है। वो आपके लिए ज्यादा, अपने लिए कम बनी है। हाँ जी, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, वो हमारे आपकी पत्नी है। वो हमारी आपकी पत्नी है। कभी आपने सोचा कि वो आप एक के साथ रिश्ता जोड़ा था, लेकिन एक के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए उसने घर, गली, आंगन, मोहल्ला, सखी, सहेली, माँ बाप, न जाने कितनों रिश्तों से अपना मुंह मोड़ा था। याद करिए, जब आपके साथ ब्याही थी और आपके घर आई थी तो बहू, भाभी, दुल्हन, न जाने कितने नामों के साथ बुलाई जाती थी। ये सुनकर के वो मन ही मन मुस्कुराए जाती थी। घर के सारे लोग उसी के भरोसे रहते थे। शायद इसीलिए अंग्रेजी में हम उसे हाउसवाइफ कहते थे। कुछ ही दिनों तक उसने दुल्हन होने का आनंद जिया, फिर झाड़ू, पोछा, बर्तन, चूल्हा, चौका, इन सब ने उसको जकड़ लिया। रोज हमारे लिए नाश्ते से लेकर खाने तक कुछ खास रखना, हमारी लंबी उम्र के लिए न जाने कितने उपवास रखना। कुछ महीनों बाद किलकारी गूंजी तो सारे खौफ सजे। वो मां बनी तो हम भी बाप बने। जैसे जैसे वो उम्र की सीढ़ियां चढ़ती गई, जैसे जैसे वो उम्र की सीढ़ियां चढ़ती गई, जवाबदारियां कुछ न कुछ रोज बढ़ती गईं। एक तरफ बच्चे पे नजर, दूसरी ओर मैं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं इस बात का डर। सब कुछ बराबर हो, कुछ रह न जाए, और इस बात पर भी ध्यान कि गैस पर रखा हुआ दूध कहीं बह न जाए। घर वालों की फरमाइशों का चूल्हा जो एक बार जलता, घर वालों की फरमाइशों का चूल्हा जो एक बार जलता, तो कब सुबह, कब शाम, कब रात हो गई उसे पता ही नहीं चलता। इन व्यस्तताओं के बीच समय का चक्र कुछ इतना तेजी से चला, मुन्ना कब मनोज हो गया, मुन्नी कब सुमन, पता ही नहीं चला। अब तक जो था प्यार, अब उसने अपना नाम बदल करके रख लिया था तकरार। बेटी को लेकर के कहना कि कुछ ज्यादा ही मन बढ़ा रखा है, तुम्हारे प्यार ने इसको सर पे चढ़ा रखा है, अब तो वो मुझे भी देने लगी थी ताना, अब तो वो मुझे भी देने लगी थी ताना, ऑफिस में ही रहा करो ना, दो चार घंटे के लिए घर के आना। शादी के इतने दिनों बाद भी आज भी हमें सुनना पड़ता है कि न जाने कौन सा पाप किया था जो आपके साथ ब्याह किया था। और ये तो रोज की थी कहानी, कितना जोर से कहना कि घर के सारे सदस्य सुन लें कि एक दिन बीमार होती हूं ना, तो एक दिन बीमार होने पर किसी को कोई देता नहीं है एक गिलास पानी। लेकिन जैसे ही उसे आपके तबीयत खराब होने का होता आभास, आकर के बैठ जाती थी आपके पास। याद तो होगा ना वो मीठी बातों के साथ माथे पर विक्स लगाना, और साथ में कान में यह भी कहना कि कल सुबह अगर अच्छा ना लगे तो फिर ऑफिस मत जाना। लेकिन एक दिन समय ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां बदल जाता है जिंदगी का ताना बाना। थाली में रोटी रखते हुए उसका ये कहना कि बेटी जवान हो गई है, क्या अब लड़का भी मुझे ही ढूंढने होगा जाना। शादी तय हो जाने के बाद एक एक रुपया जोड़ना, पैसे कम पड़ने पर खुद का कंगन तोड़ना, सब कुछ हो जाएगा मुझे ढाढ़स बढ़ाना, सब कुछ हो जाएगा मुझे ढाढ़स बढ़ाना, विवाह का गीत खुद रोते हुए गाना। याद तो होगा ना आप लोगों को ये गुजरा हुआ जमाना। कुछ समय बाद जब हम जवाबदारियों से मुक्त हो जाते हैं तो कुछ ज्यादा ही धर्मयुक्त हो जाते हैं। उम्र के अंतिम पड़ाव पर हम बीमारियों के बीच जीने लगे हैं।
बिना शक्कर की चाय पीने लगे हैं। लेकिन सच ये है कि जब तक हमारी आपकी पत्नी साथ है, चाय मीठी हो न हो, लेकिन जिंदगी में पूरी मिठास है। जबकि पत्नी के बारे में बहुत कम लिखा गया है, हर जगह माँ का ही गुणगान है। मैं मानता हूँ कि माँ महान है, लेकिन आपके जीवन में आपकी पत्नी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपसे निवेदन इतना सा है कि आप अगर घर पर हों या घर पर जाएं, तो अपनी पत्नी का हाथ हाथ में रख करके संतोषानंद जी का लिखा हुआ एक गीत गाएं कि तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूं, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूं, आंखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी।